इद्रिस मोदी साहब को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। जितने ऑन पैसिव फैमिली के अंदर हैं, बहुत ही बेहतरीन लीडर थे और उन्होंने ऑन पैसिव के लिए बहुत ही अच्छा काम किया। दुखद खबर तो यह है कि वो आज 3 फरवरी 2024, जी हाँ 3 फरवरी 2024 आज उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया। लेकिन आज उनकी जो यादें हैं वो हम सब लोगों के दिलों में बसी रहेंगी। हम ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दें और उनको स्वर्ग में जो है जगह दें, क्योंकि यहाँ पर जितना भी समय उन्होंने ऑन पैसिव को दिया है वो बहुत ही अविस्मरणीय है, वो हमेशा याद रखा जाएगा। और उन्होंने जितना भी काम, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने ऑन पैसिव के लिए दिया हुआ है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहा है। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जनवरी का जो महीना, हम सब लोगों को पता है कि बहुत ही अच्छा गुजरा है। बहुत सारे जनवरी के महीने में आपको पता है कि बहुत सारे काम हुए हैं और उन सारे कामों के बदले ही ये आज हम सब लोगों को रिज़ल्ट मिल रहा है। इसलिए आज हम इस लेवल पे हैं, क्योंकि हर एक लेवल धीरे धीरे करके जो है बड़ा होता जा रहा है। यहाँ पे जनवरी का महीना, अब जो फरवरी का महीना शुरू हुआ है, इस फरवरी के महीने में कुछ और चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं और जिन चीज़ों को लेकर के हम इंतज़ार कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो है उसका एक रिज़ल्ट जो है ज़रूर देख पाएंगे। तो अपनी वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले कुछ एक दो सवाल हैं आप लोगों के, पहले मैं वो ले लेता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट, जी हाँ, जो कि मेरा एक मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पहला सवाल ये है कि अगर हमारा जो प्रोफाइल नेम है वो प्रोफाइल नेम हमारा डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं। इन सारी बातों को लेकर के अपने दिमाग के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूज़न पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल पटेल अमित, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके आधार कार्ड में नाम है पटेल अमित, लेकिन आपने गलती से वहाँ पर अपने प्रोफाइल नेम में लिख दिया है अमित पटेल, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अगर आपको अपना वेरिफिकेशन सही टाइम पे और कम्प्लीटली सही तरीके से पूरा करवाना है तो आपको अपना जैसा भी नाम आपका आधार कार्ड में है बिल्कुल वैसा ही वहाँ पे लिखना पड़ेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन सही तरीके से हो। ओके, इनकम को लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, इनकम की बातें आप अपने दिमाग से, पैसे की बातें अपने दिमाग से फिलहाल जो है बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्टिंग चल रही है ना, वो सारी की सारी टेस्टिंग हम सब लोगों के लिए चल रही है, इस पूरे बिजनेस को लेकर के चल रही है, इस पूरी दुनिया में किस तरीके से इस बिजनेस को फैलाना है उसके लिए लेकर के चल रही है। बाय डिफॉल्ट देखो, कोई भी आप हम काम करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वो पैसा मिलता कैसे है अगर हम उसके बारे में सबसे ज़्यादा बातें करेंगे, सबसे ज़्यादा सोचेंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हम सब लोगों के लिए कि आखिर यहाँ पर जो है इनकम हम किस तरीके से कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस ज्वाइन करते हैं ना, तो वहाँ पर काम करने का एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम आपको वहाँ पर लागू करना पड़ेगा, आपको उस सिस्टम से वहाँ पर काम करना पड़ेगा या यहाँ पर जो भी सिस्टम होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वहाँ पर जा कर के एक कहते हैं कि एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जब तक आपके पास गन्ना रहेगा ना, आप उसका जूस नहीं निकाल सकते, उसके लिए चाहिए आपको एक मशीन चाहिए, उस गन्ने को आपको उस मशीन में डालना पड़ेगा, उसके बाद उस मशीन को चलाना पड़ेगा, उसके बाद नीचे छलनी लगानी पड़ेगी, नीचे ग्लास लगाना पड़ेगा, नीचे आपको भगोना लगाना पड़ेगा, तब जा कर के जूस निकलेगा, फिर आप उसे पी पाएंगे। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो हम प्रोसेसिंग में जो हम जाएंगे, हम काम करेंगे, अपना दिमाग लड़ाएंगे, उसके बाद हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे, कंपनी भी अपने बिजनेस को प्रमोट करेगी, तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम सब लोगों को आगे बढ़ते रहना है। सो प्लीज़ यहाँ पर वॉलेट की जो टेस्टिंग है तो यहाँ पर चल रही है लगातार, तो उसको हमें ध्यान में रखना है और जैसे ही ये सारी की सारी टेस्टिंग कंप्लीट होती जाएंगी हमें अगले फेज़ में एंट्री मिलती चली जाएगी। ओ कनेक्ट कब तक पब्लिश हो सकेगा, जो हमारा नया आने वाला है, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसमें इंटीग्रेशन का काम चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एस सर ने बताया था
अकॉर्डिंग टू OES एंड अकॉर्डिंग टू S. Mufarisar अगर हम बात करें तो हमें बहुत ही जल्दी मिल जाना चाहिए ये, लेकिन जैसे ही इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट होगा इसके बारे में नेक्स्ट अपडेट हमें S. sir के द्वारा मिल जाएगा। इसका कोई भी निश्चित समय नहीं है, ध्यान रखना एक निश्चित समय इसका नहीं है, लेकिन हाँ एक लास्ट मोमेंट में, एक लास्ट फेज जो होता है वो ज़रूर चल रहा है। इसके बाद डेबिट कार्ड को लेकर के कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमें डेबिट कार्ड कब तक मिल जाएगा। इसका भी कोई भी अभी S. Mufarisar की तरफ से निश्चित समय नहीं दिया गया है कि हमें एक महीने में, दो महीने में, या एक साल में, या दस साल में मिल जाएगा। ठीक है, जब भी होगा वो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड से पहले और भी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होनी हैं, उस पर काम लगातार चल रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। डेबिट कार्ड जब कहा है कंपनी ने तो मिलेगा ज़रूर, मगर इसकी प्रोसेस जो चल रही है उसको पूरा करने में, उसके अंदर सिक्योरिटी पर्पज़ से बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको पूरा करने में टाइम लगता है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, रिलैक्स रहना है यहाँ पे, क्योंकि अब हम बहुत बड़े एक फेज़ की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर रूल करने जा रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर राज करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रूल ओवर द इंटरनेट, और इस इंटरनेट के ऊपर रूल करने के लिए हमारे लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, एक सिस्टम को बनाना पड़ता है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी हु इज़ एम्पावरिंग 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर। ये पहली कंपनी है जो 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर को एम्पावरिंग करने जा रही है। 14 लाख लोग कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, और उनको एक साथ लेके चलना और उनको एक साथ एम्पावर करना और उनको एक साथ डील करना, कंट्रोल में रखना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास अगर 1000 लोगों की भी अगर कहीं ना कहीं तरह से अगर आपके पास टीम हो तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, ये आपको दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना है। वी आर यूजिंग हाई सिक्योरिटी डाटा सर्विस, हम यहाँ पर बहुत ही हाई सिक्योरिटी डाटा सर्विस यूज़ करने जा रहे हैं, बहुत ही हाई, क्योंकि सिक्योरिटी अगर नहीं होगी इस IT सेक्टर के अंदर, इस इंटरनेट के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो आपका लैपटॉप आपका होते हुए भी आपका नहीं होगा, आपका मोबाइल फ़ोन आपके पास होते हुए भी आपका नहीं होगा। इसलिए सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन IT सेक्टर, इसलिए कंपनी यहाँ पर सब कुछ अपना ही कर रही है। इसलिए हम यहाँ पे क्या हैं, वी आर द आर्किटेक्चर, हम यहाँ पे एक आर्किटेक्चर हैं, एक निर्माण कर रहे हैं, हम खुद अपना निर्माण कर रहे हैं, हम खुद सारी चीज़ें अब अपनी बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आर्किटेक्चर, हम खुद के आर्किटेक्चर हैं, हम यहाँ पर पूरा इंटरनेट खुद बना रहे हैं। वी आर गोइंग टू रूल ओवर द इंटरनेट, वी आर द ओनर ऑफ द मल्टीपल डिजिटल प्रोडक्ट। बहुत सारे हमारे ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट आ चुके हैं हमारे OES के अंदर, आप देख रहे हैं 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी फ्री में हम लोगों को मिल चुके हैं, और एक पेड प्रोडक्ट ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ पाइपलाइन में है, वो भी आ जाएंगे हमारे पास। तो ऐसे मल्टीपल डिजिटल प्रोडक्ट हैं जिसके हम ओनर हैं, जिसके हम मालिक हैं, जिसके हम पूरा एक आर्किटेक्चर हम खुद कर रहे हैं, आर्किटेक्ट कर रहे हैं हम खुद उसको, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं, बहुत ही गर्व से कहते हैं कि वी आर द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। हम वाईफाई से लाईफाई की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। आने वाला जो समय है ना, वो ये फिजिकल चीज़ों का तो है ही नहीं, आने वाला जो समय है वो डिजिटल दुनिया की तरफ जा रहा है, बिल्कुल डिजिटल दुनिया की तरफ जा रहा है। जो भी काम होगा वो डिजिटल होगा, जो भी करेंसी होगी वो भी डिजिटल होगी, जो भी अगर हम मीटिंग भी करेंगे तो वो भी डिजिटल तरीके से होगी। उसके बाद मेटावर्स भी आने वाला है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जहाँ आप नारद मुनि की तरह प्रकट होने का अगर आपको मन करेगा तो वहाँ आप प्रकट हो जाओगे, जहाँ आपको जाने का मन करेगा तो आप वहाँ आप चले जाओ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें आने वाले वक्त के अंदर दिखाई देंगी। जो आज एक सपना लगती है ना, वो आने वाले समय के लिए जो है सपना नहीं है, वो एक सच्चाई है। जिस तरीके से आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पे आमने सामने बात करते हैं, आज से 30-40 साल पहले ये एक सपना था, लेकिन आज नहीं है। सो वी आर द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट, हम यहाँ पे खुद अपनी सारी चीज़ों को बना रहे हैं। वी हैव ए टॉप क्लास SaaS बिजनेस मॉडल, हमारे पास क्या है, एक SaaS बिजनेस मॉडल है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, मैंने पूछा था कि क्या आप जानना चाहते हैं,
डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट द SaaS बिजनेस मॉडल? वॉट इज द SaaS बिजनेस मॉडल? क्या होता है SaaS बिजनेस मॉडल? तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि सर हम जानना चाहते हैं, बिल्कुल, और इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे करके जो है ना आपको उस तरफ लेके चल रहा हूँ जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैं आपको धीरे धीरे उस तरफ लेके चल रहा हूँ जहाँ पर आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगी। ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मैं आपको धीरे धीरे करके प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पे हम सब लोग एक SaaS बिजनेस मॉडल के अंदर, अगर कोई आपसे पूछ लेता है व्हाट इज SaaS बिजनेस मॉडल, तो क्या होता है, तो क्या जवाब दोगे आप उनको? बस ऐसे ही कह दोगे आप उनसे ये इंटरनेट होता है, ये होता है? नो, आपको टेक्निकली आंसर देना पड़ेगा। सो गेट रेडी टू फायर योर लाइफ बाई SaaS बिजनेस मॉडल। यहाँ पे हम अपनी लाइफ को एक फायर करने वाले हैं। क्या हम एक अपने बिजनेस को फायर करने वाले हैं? मदर ऑफ ऑल बिजनेस, हम पूरे इस बिजनेस के मदर हैं। एंड कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन बाय SaaS बिजनेस मॉडल, एक पूरा एक बेहतरीन कंप्यूटर एक इंटरनेट बिजनेस सॉल्यूशन हम यहां पर लेकर के आ रहे हैं। आपको पता है हम अपने आप को आर्किटेक्चर क्यों कहते हैं? बिकॉज वी आर डेवलपिंग 5 pillars। नंबर 1 डोमेन, नंबर 2 OES, एंड नंबर 3 पेमेंट सिस्टम, नंबर 4 डाटा सेंटर, एंड नंबर 5 OKYC। दीज आर द 5 pillars। यही 5 pillars हैं जो कि पूरे इंटरनेट को बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, और जिसमें से हमारे जो 4 pillars हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। द 1 pillar इज रिमेन्स ओनली, वो भी धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, आपको गर्व होना चाहिए, प्राउड करना चाहिए कि आप एक आर्किटेक्चर हैं इंटरनेट के। आने वाले टाइम के अंदर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाने वाला है इस ऑन पैसिव का। तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके लिए तैयारी आज से ही करनी पड़ती है। अगर आने वाले टाइम के अंदर आपका नाम इस पूरी दुनिया में जाएगा तो आपको तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी। एक दिन में किसी ने कुछ भी हासिल नहीं किया है, इसलिए अब यहाँ पे हम सब लोगों को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, ओके? क्योंकि वी आर द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पे आपको अपना रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने अपना रास्ता क्लियर नहीं किया है इस बिजनेस को करने का, तो आपको अपना रास्ता क्लियर करने का क्या है रास्ता? वो है अपना पैकेज को अच्छी तरीके से बाय कर लेना, समय से पहले बाय कर लेना। अभी क्रिप्टो के माध्यम से मौका है, आप बाय कर लीजिए और अपना रास्ता इस बिजनेस के अंदर जो है पूरी तरीके से पक्का कर लीजिए। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और आई थिंक मैं उस इन्फॉर्मेशन को मैं दे पाया हूँ जो मैं आपको देना चाहता था। और आपकी इस टाइप की जो और भी वीडियोज हैं जो कि आपके बिजनेस को और बढ़ाने में आपकी हेल्प करने वाली हैं, मैं आपको हमेशा अपने चैनल पर देता रहूँगा। बस ये मौका आ गया है आपको टेक्निकली रूप से स्ट्रांग बनने का, आपको टेक्निकली रूप से अपने अंदर इस नॉलेज को गेन करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एंट्री भले ही थोड़ी लेट होगी लेकिन ग्रेट होगी। वी आर सुन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।